बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का नाम बताना है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है। यदि आप ध्यान देते हो तो बेटा ये रैशनल नंबर, उसमें 1 से मल्टीप्लाई, फिर बेटा 1 में उसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई, फिर बेटा वही रैशनल नंबर आ रहा है। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? यदि आप इसको a सपोज करोगे तो a इंटू 1 ये इक्वल 1 इंटू a और इक्वल a। ये प्रॉपर्टी बेटा यूज हो रही है यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है? a में बेटा यदि आप 1 से मल्टीप्लाई या 1 में बेटा a से मल्टीप्लाई करते हो, आपको बेटा दोनों ही स्थिति में a मिलेगा। ये आप भी जानते हो, किसी भी नंबर में यदि 1 से मल्टीप्लाई या 1 में बेटा उसी नंबर से मल्टीप्लाई, दोनों ही स्थिति में वही नंबर मिलता है। इस प्रॉपर्टी का आपको नाम बताना है। तो बेटा आप ध्यान दो, 1 का बच्चों यहाँ यूज हो रहा है, और ध्यान से देखो मल्टीप्लाई का भी यूज हो रहा है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कौन सी हुई? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक गुणात्मक तत्समक है। अब बच्चों हम पता करेंगे यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। बेटा आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो नंबर लिखा है इधर बाद में लिखा और इधर बाद में लिखा हुआ नंबर इधर की तरफ पहले लिखा, क्या हो रहा है? ऑर्डर चेंज हो रहा है। देखिए, पहले वाला बाद में चला गया, बाद वाला पहले चला गया, मतलब प्रॉपर्टी कौन सी हुई? a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब ये प्रॉपर्टी कहती क्या है बच्चों? ऑर्डर बदल जाता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में बेटा नंबर का ऑर्डर बदल गया। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेटा कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई में बेटा ऑर्डर चेंज हो रहा है नंबर का, तो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में बच्चों इसे क्रम विनिमय गुणधर्म कहते हैं। अब बच्चों यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है पता करें। बेटा आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो लिखा है बेटा मल्टीप्लाई में इधर पलट के लिखा है, ठीक है? इसे बेटा a सपोज कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई, इधर बेटा a को पलट के लिख दो तो 1/a, इसे क्या कहते हैं? a का रेसिप्रोकल कहते हैं। अब बेटा इसे सॉल्व करो, a से a कैंसिल हो जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा 1। वही चीज बेटा यहाँ ऊपर लिखो, मतलब इस नंबर का रेसिप्रोकल ये है और उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आपसे पूछा है यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई? तो बेटा इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।